वाह बहुत स्पेशल ब्यूटीफुल। और जो है हम सबसे पहले पेट्रोल डलवाएंगे फ्यूल। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ मेरे व्यूअर्स को पिछला व्लॉग पसंद आया होगा। तो आज हम जा रहे हैं डेरे सफदर, एक जगह है जिसको बोलते हैं मुंडा। तो कुछ बारबेक्यू का सीन होने वाला है, तो चलिए हमारे साथ। रोड जो है बिल्कुल खाली है, सुबह का टाइम है, बस टाइम पे इससे निकले हैं कि सुबह के टाइम जो है धूप नहीं होती, मौसम जो है अच्छा होता है। तो चलिए माशाल्लाह आप देख सकते हैं ऑन रोड है हम, और साथ ही जो है हमें बाग नजर आया तो हम उधर खड़े हो गए, बाइक्स खड़ी की हमने। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा बाग है यहाँ पर। अभी यह पता नहीं ये किस चीज़ का है, मेरे हिसाब से आड़ू का ही बाग है। अभी जो है हम रास्ते में जो है रबड़ी पी रहे हैं, उस्मान भाई अली भाई देख रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं, तो इंशाल्लाह आपको आगे विजिट कराते हैं। सामने जो है पहाड़ इतने प्यारे माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं, इतना नहीं इस टाइम अली भाई के जो है सारे कपड़े भीग चुके हैं कूलर की वजह से। तो उस्मान भाई आगे बैठे हुए हैं, और उस्मान भाई की फूल जो है पीछे से कमर जो है गीली हो चुकी है। वो आगे शहाब है जिसने दो से भी आम उठाए हुए हैं। व्यूअर्स मैं आपको एक और बात बताना चाहता था, यहाँ पे मैंने रास्ते में तकरीबन कोई 10-15 देख चुके हैं। यहाँ पे खोई बनी हुई है, खोई मीन्स के जो कि यहाँ पे हैंडपम्प लगते हैं वहाँ से जो है अभी तक पुराने ज़माने के हिसाब पानी चल रहा है यहाँ पर जी। तो गाइस देख सकते हैं बाइक में कोई मसला आ गया है, मिसिंग कर रही थी। तो अभी हमने जो है सामने खूबसूरत जो है पहाड़ भी हैं, माउंटेन्स भी है, और इस तरह अली भाई है ये गुस्सा उन्होंने कह रही कहते ये अपनी बाइक जो है आप ठीक करके क्यों नहीं लाते, और ये हमारे मामू खड़े हैं। और कपड़ा क्या है यार, कभी सर्विस नहीं की जिंदगी में जी। तो लेट्स अभी हमने जो है बाइक को ठीक करा ली और अपने सफ़र पे जो है जा रहे हैं। अली भाई जी, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। जो इस ये रास्ते है ना, रास्ता जो है रास्ते में जो है खड्डे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप भी आएँ तो बहुत एहतियात से आएँ, क्योंकि यहाँ पे खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। यूसुफ बाबा, ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं पहाड़ के बीच में जो रास्ता जा रहा है पहाड़ के बीच में, यूसुफ बाबा को है, और ये साथ जो है आपको नज़र आ रही है मुंडा सिंध। माशाल्लाह बहुत गहरा पानी है जी। तो माशाल्लाह अभी हम आ चुके हैं मुंडा सिंध पे, सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे माउंटेन्स पहाड़ हैं। और जी तो माशाल्लाह अभी हम चावल बनाने वाले हैं, तो इस जगह हमारे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी एक वीडियो
बोले बने राजी खैर हो जाए। ये न थी हमारी किस्मत। वाह यार अली खजांची लगा हुआ इस टाइम पे टिक्के बार पे। हमने टमाटर काट लिए और हमारा देख सकते हैं कीमा जो है तैयार हो चुका है। माशाल्लाह उस्मान भाई जो है अंगीठी बना रहे हैं माशाल्लाह। इसमें जो कच्ची वाह बहुत स्पेशल ब्यूटीफुल जी। तो माशाल्लाह हमने चावल बना लिए हैं। अली भाई क्या कहते हैं जो मैंने चावल बनाए इनका रिव्यू जरा आप जरा बताएं। यार शक्ल से तो बहुत एपिक किस्म के चावल लग रहे हैं। ठीक है खा के बाकी पता चले। सर जरा बिस्मिल्लाह करें आप टेस्ट लें। बिस्मिल्लाह स्पेशल बने उस्मान भाई आप बताएं। शादाब भाई मामू कैसे बने हैं? बिल्कुल ओके हैं। ठीक है सही बने हैं। और ये हमारा कैंप भी लगा हुआ है आप देख सकते हैं और अजीत भाई लोग सब सामने बैठे हुए हैं और दुनिया बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ये देख सकते हैं दुनिया बहुत ज़्यादा दुनिया आ चुकी है माशाल्लाह। सामने पहाड़ भी देखें तो माशाल्लाह बहुत प्यारे पहाड़ नज़र आते हैं माशाल्लाह। ये सामने आप देख सकते हैं ये जो है डैम बन रहा है। डैम तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं लगातार काम जारी है इसको और माशाल्लाह बहुत दुनिया आई है यहाँ पर। बारबेक्यू हमने तो खैर बना के खा भी नहीं और लोग जो हैं अभी जो है बारबेक्यू बना रहे हैं सारे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं सब मौज में देख सकते हैं। ये व्लॉग मैं ऐड करूंगा। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं धूप भी बहुत ज्यादा है और ये देखें बंदे जो है बंदे इतने ज्यादा आए हुए और बारबेक्यू सब ने बारबेक्यू का सिस्टम जो है किया हुआ देख सकते हैं आप। माशाल्लाह बहुत ज्यादा बारबेक्यू का सिस्टम लोगों ने किया हुआ है। हमने तो बिल्कुल खा पी के बिल्कुल फारिग हो गए हैं। सामने जो पहाड़ों का नजारा है वो आप देखें खाली। अली भाई कमजोरे को जोर के जो बस नारे ये हमारे मामू भी आए। मामू बताएं आज मजा दिए? माशाल्लाह बहुत मखलूक बहुत दुनिया आ चुकी हुई और इंशाल्लाह आप ये जरूर यहाँ पे चक्कर लगाएं। माशाल्लाह बस रश बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम तो खैर सुबह तकरीबन 6 बजे आए हैं और अभी तक इधर ही थे और रश दे सकते हैं। अभी जो है तकरीबन 2 बजे का टाइम है और बस हम वापसी पे हैं। हमने जो है अपना इवेंट जो है मुकम्मल कर लिया आज। माशाल्लाह बहुत मज़ा है यार बहुत मज़ा है। समरस आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे पहाड़ हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह आप देख सकते हैं रश बहुत ज़्यादा है। मामू सबर करो बस अभी हम जो है वापसी पे हैं
और रश जो है बहुत ज्यादा रश है। हम जिस टाइम सुबह तो बिल्कुल सन्नाटा सा भी देख रहे हैं। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें आप व्यूअर्स, रश बहुत ज्यादा है। माशाल्लाह धूप है और मजा बहुत ज्यादा है। गियर पलटाएं, गियर पलटाएं। नाइस डे। पतला रास्ता है और ऐसा रास्ता है कि बस गोर रास्ता ही है वाला। तकरीबन एक दो मिनट का रास्ता है और रास्ता ठीक नहीं। वो सामने आप देख सकते हैं डैम बन रहा है, डैम मुंडा डैम। जैसे कि और देख सकते हैं कि हम पानी के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं और माशाल्लाह पानी जो है अच्छा खासा पानी है। और ये जो सामने ब्रिज देख रहे हैं ये टूटा हुआ है, जो पिछली बार सैलाब आया था उसकी वजह से ये जो है टूट गया है ब्रिज। तकरीबन 20 साल लगेंगे ये ब्रिज बनने में। लोग जो है लोग बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, आराम से आ रहे हैं। आज फ्रेंड्स हमें छोड़ के टिंची में जा रहे हैं और कुछ फ्रेंड्स ये खड़े हुए हैं और उस्मान भाई की जो है मोटरसाइकिल का टायर जो है पंचर हो चुका है और अली भाई की भी जो है पंचर होने वाली है। जैसे कि उस्मान भाई की जो है मोटरसाइकिल पंचर हो गई है और अभी वो कहते हैं यार चलो इतनी देर पंचर लगाएंगे और इतनी देर जो है आइसक्रीम खा लेते हैं, तो चलिए अभी आइसक्रीम खाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमने कहा चलो ये ऑप्शन चूज़ किया कि चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, तो हम एक बाइट लेते हैं आइसक्रीम का। बहुत ज़्यादा स्पेशल आइसक्रीम है यहाँ की। अली भाई भी खा रहे हैं ये तो उस्मान भाई और अली देख सकते हैं वहाँ से उतरेगा अभी इधर नहीं। सामने आम के बाग हैं, सारे आम के हैं ना शाह भाई, आम के हैं, आम के बाग हैं। और ये जो है मतलब बाद में आएंगे ना जिस टाइम सीजन ख़त्म हो जाए। अच्छा वी आई पी ये अबाजो के हैं ना, माशाल्लाह बहुत प्यारा पानी है यार। जी तो व्यूअर्स जैसे कि हम घर वापस आ चुके हैं, रास्ते का व्लॉग हमने इसलिए नहीं बनाया कि क्योंकि घर से जो है कॉल जा रही थी तो हम बहुत स्पीड में थे, इसलिए जो है रास्ते में नई व्यू आप लोगों को करवाया है और नई वीडियो बनाई है। थैंक यू।